हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी रिवीजन के, जल्दी से वो कंप्लीट करते हैं। एक हमें एडवांस टैक्स करना है, दूसरे बाद रिटर्न ऑफ इनकम, और फिर छोटा सा टॉपिक एएमटी भी बचेगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मुझे वो डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विद एडवांस टैक्स। सबसे पहले एडवांस टैक्स होता क्या है, किस किस की लायबिलिटी आती है एडवांस टैक्स पे करने की, और अगर हम पे नहीं करेंगे तो क्या हमारे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड दैट, राइट। और अब तो आपके एग्जाम्स भी पोस्टपोन होने वाले हैं, आज नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, 19 मार्च को इंस्टीट्यूट ने बोला था, तो आपको एक अच्छा खासा बफर टाइप भी मिल गया है। अब आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा और जल्दी से पास होके नेक्स्ट लेवल पर आ जाइए। ओके, सो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती किसके लिए है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ असेसी, जो भी असेसी हैं अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी, अभी मैं इसको चेंज करूंगा टैक्स लायबिलिटी को, बट अभी फिलहाल के लिए समझिएगा कि अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज और मोर, अगर हमें टैक्स जो पे करना है वो 10,000 रुपीज भी है या इससे ज्यादा भी है, 10,000 और मोर, तो हमारी एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। एडवांस टैक्स क्या होता है, जो हम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर खुद पे करते हैं, असेसी उसको खुद पे करता है, तो दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। कोई और जब दूसरे किसी व्यक्ति का डिडक्ट करता है TDS, तो उसको हम TDS बोलते हैं, राइट। ठीक है, यहाँ पर एडवांस टैक्स और TDS में क्या सिमिलैरिटी है, या TDS या TCS की अगर बातें करूँ तो सिमिलैरिटी ये है कि हमारा ड्यूरिंग द ईयर ही टैक्स चला जाता है। TDS में भी, TCS में भी, और एडवांस टैक्स में भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही टैक्स चला जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, राइट। TDS और TCS जो हमारा टैक्स जाता है वो हमारा कोई और डिपॉजिट करता है, राइट। वो हमारा जैसे TDS है तो डिडक्टर हमारा TDS डिडक्ट करता है और डिपॉजिट कर देगा, राइट। TCS में जो कलेक्टर है वो TCS कलेक्ट करेगा और डिपॉजिट कर देगा, यानी कि यहाँ पर TDS और TCS में देयर इज सम अदर पर्सन हु इज डिपॉजिटिंग आवर टैक्स, बट एडवांस टैक्स में असेसी खुद यहाँ पर अपना टैक्स डिपॉजिट करता है, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स क्या होता है, जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिपॉजिट हो। प्रीवियस ईयर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आर प्रीवियस ईयर इज 2023-24, so anything deposited in this previous year anywhere between, and these days are also included, 1st April 2023 is previous year ka first day se lekar 31st March 2024 tak jo bhi hum paisa deposit karte hain previous year mein hi, usko hum bolte hain advance tax, right? Because advance tax kyun bola gaya, kyunki generally jo hamari liability aati hai wo hamari assessment year mein aati hai, next year mein, बट हमें अपना पैसा पहले से ही डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एडवांस टैक्स। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, पे एज यू अर्न। जैसे जैसे आप अर्न करते रहिए वैसे वैसे आप टैक्स भी डिपॉजिट करते रहिए, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स, राइट। अब बात करते हैं कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी किस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है, तो इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल SAC जिनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज और मोर हो, तो उनकी लायबिलिटी आ जाती है, करेक्ट। बट जब हमें ये 10,000 रुपीज देखना है, वो हमें कैसे देखना है, तो लेट से देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, और इनकी सैलरी इनकम आती है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज, इनकी सैलरी इनकम आती है 10 लाख रुपीज, और अगर हम इसके ऊपर रफली टैक्स लायबिलिटी निकाल देते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी स्कीम फॉलो करते हैं, तो जिस भी स्कीम को ये रिजीम को फॉलो करते हैं, वेदर इट इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम या फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, हम इनकी टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी दोनों ही रिजीम में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रिजीम में, इट इज ऑन बोथ द रिजीम्स। तो सबसे पहले हम इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, लेट्स इनकी 10 लाख रुपीज की इनकम है, इनकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 1,17,000 रुपीज रफली, लेट्स से मान लेते हैं ऑप्शनल स्कीम लेते हैं, तो इनका इतना टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा है, तो आंसर इज यस, हां सर 10,000 रुपीज से तो ज्यादा है ये अमाउंट, तो क्या इनकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इनका कुछ TDS या TCS भी डिडक्ट हुआ या कलेक्ट हुआ है, तो उसके बाद देखिएगा हमारा नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है। तो मैं इसमें से क्या माइनस करूंगा, इसमें से जैसे ड्यूरिंग द ईयर अगर इनका कोई TDS है या TCS कलेक्ट हुआ है, तो उसको माइनस करने के बाद देखिए जो SSC को खुद डिपॉजिट कराना होता है, अगर वो 10,000 रुपीज या और मोर हो, तब हमारी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है। जैसे इस केस में मिस्टर ए की सैलरी इनकम लेट से 10 लाख रुपीज थी कंप्यूटेड, इनकी कोई और इनकम नहीं थी मान लिया मैंने, टोटल इनकम ही 10 लाख रुपीज थी, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी 1,17,000 आती है,
और लेट से इनका क्योंकि ये सैलरी थी तो सेक्शन 192 में टीडीएस ऑन सैलरी में इनके एम्प्लॉयर ने जब इनको सैलरी दी होगी तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया होगा, तो आई एम अज्यूमिंग कि इनका पूरा का पूरा टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। तो लेट से अगर इनका 117,000 डिडक्ट हो चुका है, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि इनकी टैक्स लायबिलिटी 117,000 थी, पर इनका टीडीएस या टीसीएस के थ्रू, एज द केस में भी यहाँ पर तो टीडीएस है, उसके थ्रू इनका 117,000 पूरा डिपॉजिट हो चुका है, तो प्लीज बताइए इनका जो टैक्स पेबल आ रहा है वो तो नहीं ला रहा है ना। तो इस केस में इनके ऊपर कोई एडवांस टैक्स के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, राइट। ये जो अमाउंट है आफ्टर टीडीएस टीसीएस, अगर ये अमाउंट 10,000 और मोर हो तभी हमारे ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है, राइट। तो यहां पर अगर हमने जब टीडीएस और टीसीएस माइनस किया तो आंसर आया नील। अगर इवन 1,000 आता, 2,000 आता, 9,999 तक भी आ जाता तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं थी, 10,000 और मोर आ जाए तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है, करेक्ट। तो ये बात सबको समझ में आ गई है, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है, व्हेन आर लायबिलिटी नेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस अगर वो 10,000 और मोर हो तो हमारी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है और हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है 4 इंस्टॉलमेंट्स में, राइट। अभी हम 4 इंस्टॉलमेंट्स की बातें करेंगे, बट उससे पहले एक और बात समझिएगा, एडवांस टैक्स का हमें रिलैक्सेशन दे दिया गया है कुछ लोगों को। अगर असेसी एक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू में आ सकती है, अगर असेसी एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, अगर एक असेसी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, आपको पता है सीनियर सिटीजन के बेनिफिट तभी मिलते हैं अगर असेसी रेसिडेंट होता है, राइट। नॉन रेसिडेंट होगा तो नहीं मिलेंगे। अगर असेसी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है प्लस असेसी की कोई पीजीबीपी के हेड से कोई इनकम नहीं आती है, अगर आपकी एक असेसी एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है और पीजीबीपी के हेड से कोई इनकम नहीं आती है, उस केस में इवन अगर ये जो टैक्स लायबिलिटी है आफ्टर टीडीएस टीसीएस अगर वो 10,000 या उससे ज्यादा भी हो तो भी इनके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस नहीं लगते हैं, इनको हमने रिलैक्स कर दिया, राइट। तो यहां पर इनको एक एग्जम्पशन दे दी गई है कि अगर आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 और मोर हो भी, बट अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन पीजीबीपी से कोई इनकम नहीं आती है, तो एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाद में अपना असेसमेंट ईयर में टैक्स दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके ऊपर वो 234C और 234B का जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं लगाएंगे, राइट। क्या होता है 234B और 234C? एक्चुअली अगर आप अपना लेट टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स में तीन सेक्शन हैं जो इंटरेस्ट लगाते हैं। एक होता है, इसको भी समझ लीजिएगा अभी, एक होता है इंटरेस्ट ऑफ 234C, मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, पहले मैं सी लिख रहा हूँ 234C, एक होता है हमारा 234B और एक इंटरेस्ट लगता है हमारा 234A, राइट। मैंने 234A को अलग लिखा है और 234C और B को मैंने अलग लिखा है। रीजन क्या है इसका, एक्चुअली 234A का जो इंटरेस्ट होता है ना उसको एडवांस टैक्स से कोई लेना देना नहीं होता, ये 234A का इंटरेस्ट तब आता है जब असेसी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम, अगर उसने अपनी ROI लेट डिपॉजिट की है, राइट। अगर उसने ROI अपनी लेट डिपॉजिट करी है, मैं नॉर्मली ऐसा बोल सकता हूँ कि आफ्टर द ड्यू डेट अगर वो अपनी ROI फर्निश करता है और उसका कुछ टैक्स भी जमा नहीं हुआ था, उसका टैक्स भी डिपॉजिट ही होता है, यानी कि उसने कम टैक्स इंटरेस्ट, देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकली समझिएगा, इंटरेस्ट हमारा तभी लगता है जब गवर्नमेंट तक टैक्स के पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो उसी के ऊपर तो वो इंटरेस्ट चार्ज करती है ना, ब्याज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी के पैसे नहीं दिए तभी वो दूसरा व्यक्ति हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स के पैसे नहीं दिए हैं तभी वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब मुझे एक नॉर्मल एग्जाम्पल बताइए, नॉर्मल समझिए, मान लेते हैं कि मैंने अपना टैक्स का पैसा पूरा पे कर दिया, जितना जेन्युइनली मैंने अपना टैक्स का पैसा पूरा पे कर दिया है, बट मैंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की थी, रिटर्न मैंने लेट फाइल की, तो अगर मैंने रिटर्न लेट फाइल की है तो उसकी एक प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, 234F में वो फीस होती है 1,000 या 5,000, वो हमारी फीस लग जाएगी, बट क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। सर अभी तो आपने कहा कि अगर लेट फाइल करोगे ROI तब इंटरेस्ट लगता है, हाँ, बट मैंने ये भी कहा कि अगर आपने अपने टैक्स के पैसे डिपॉजिट नहीं कराए थे तब आपका इंटरेस्ट लगता है 234A का। आर यू ऑल गेटिंग दिस? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक बार में, अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हो प्लस अगर आपने अपने टैक्स के पैसे डिपॉजिट नहीं कराए थे या कम पैसे डिपॉजिट कराए थे तब 234A लगता है, यानी कि दो कंडीशन है, राइट, रिटर्न लेट फाइल हुई और टैक्स पूरा आपका डिपॉजिट नहीं हुआ था तभी तो आपसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट मांगेगी ना, तब लगता है 234A।
क्लियर है? अगर आपने, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना टैक्स का पैसा पूरा डिपॉजिट करा दिया था शुरू में ही, ठीक है, ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट मैंने पूरा डिपॉजिट करा दिया था, और फिर मैंने अपनी रिटर्न लेट फाइल की, तो मेरे ऊपर 234A नहीं लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना टैक्स तो पूरा डिपॉजिट करा दिया था ना, रिटर्न लेट फाइल है, रिटर्न लेट करने की फीस लग जाएगी 234F में, जो हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, बट इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आई बिलीव ये बात क्लियर हो गई आपको। 234C और B का इंटरेस्ट लगता है अगर आप अपनी एडवांस टैक्स देने में गड़बड़ करते हो। तो अगर आप अपने एडवांस टैक्स के प्रोविजंस ठीक से फॉलो नहीं करते हो तो आपका 234C और B का इंटरेस्ट लग सकता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है, राइट। तो एडवांस टैक्स से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो है 234C और 234B का, बट 234A का एडवांस टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो मैं इसको अगर समराइज करता हूं, तो मान लेते हैं एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, अगर इन्होंने अपना टैक्स पे नहीं किया ड्यू डेट तक भी और रिटर्न भी लेट फाइल की, ठीक है, और उसके बाद जाकर ये अपना इंटरेस्ट टैक्स पे कर रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर 234C और बी लगेगा? द आंसर इज नहीं, क्योंकि इनके ऊपर एडवांस टैक्स की तो लायबिलिटी आती ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये सेक्शन तभी लगते हैं जब आपने एडवांस टैक्स देने में गड़बड़ की हो, राइट। बट क्या इनके ऊपर 234A लग सकता है? आंसर इज यस, इनके ऊपर 234A लग सकता है, क्योंकि इसका एडवांस टैक्स से कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ सिंपल बोलता है रिटर्न लेट फाइल की थी, टैक्स आपने अपना टाइम से डिपॉजिट नहीं किया था, तब 234A लग जाएगा। आई बिलीव ये पता क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। तो सिर्फ सी और बी रिलेटेड है एडवांस टैक्स के, अगर आपने एडवांस टैक्स देने में कुछ कमी की है, गड़बड़ की है, तो 234C और 234B लगेगा। 234A लगता है, इसका एडवांस टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के ऊपर 234A लग सकता है? हाँ जी बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। आई बिलीव इतना डिस्कशन ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब आ जाइए जरा पेज नंबर 13.2 पर, लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। किस किस की लाइबिलिटी आती है? जैसे मैंने कहा कि इट इज फॉर एवरी पर्सन हु इज लाइकली टू पे एडवांस टैक्स, इफ एडवांस टैक्स पेबल इज 10,000 rupees और मोर, इवन 10,000 होगा तो भी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आ जाती है। बट ये प्रोविजन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन पर जो 60 years और मोर के होते हैं, और अगर उनकी PGBP की इनकम नहीं आ रही है तो आपके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। एडवांस टैक्स पेबल हम कैसे देखेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे? जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी आती है उसमें से TDS TCS माइनस करने के बाद देखिएगा क्या वो अमाउंट 10,000 rupees और मोर आता है या नहीं आता। टैक्स ऑन इनकम माइनस TDS TCS एक्चुअली डिडक्टेड और कलेक्टेड माइनस करने के बाद देखिएगा, ठीक है, ये 10,000 rupees और मोर आता है तो हमारी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी। नोट, इफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इज लेस देन 10,000 देन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B और C आर नॉट लेविड। क्यों? क्योंकि अगर हमारी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी ही 10,000 से ज़्यादा की नहीं थी तो हमारे ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन ही नहीं लगते। अगर एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगते तो ये दोनों सेक्शंस भी नहीं लगेंगे, जो मैं आपको समझा रहा था कि ये सेक्शंस तभी लगते हैं अगर आपने एडवांस टैक्स देने में कुछ कमी कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी। बट अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स ही नहीं लगता है प्रोविजंस, तो ये सेक्शंस भी नहीं लगेंगे। हाँ, बट ये सेक्शन तो लग सकता है अगर आपने रिटर्न भी लेट फाइल की और अपना जो टैक्स था वो भी लेट डिपॉजिट कराया, तब ये सेक्शन लग सकता है। However, interest under section 234A shall be charged if ROI is filed late. ROI is filed late plus, or understood है, interest. देखो ये सारे तीनों सेक्शन इंटरेस्ट के होते हैं, तो इंटरेस्ट तब लगता है जब आपने टैक्स भी अपना लेट डिपॉजिट कराया हो, ठीक है, okay. एक इनफैक्ट एक केस था, आपको केस याद नहीं करना है, ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सी फैन लेवल पर है, बट एक केस था मिस्टर प्रणॉय रॉय का, NDTV के जो बॉस थे, ठीक है, तो यहाँ पर NDTV के बॉस का मतलब CEO ऑफ NDTV, तो उनका केस ये था कि असेसिंग ऑफिसर उनके ऊपर 234A का इंटरेस्ट लगा रहा था और वो ये केस जीत गए थे प्रणॉय रॉय। क्यों? उन्होंने बोला था कि बॉस इंटरेस्ट तब लगता है 234A का अगर मैंने कुछ पैसा कम दिया हो गवर्नमेंट को, बट मैंने अपना टैक्स पूरा दिया था, तो उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले अपना टैक्स पूरा पे कर दिया था, रिटर्न लेट फाइल की थी, तो उनके ऊपर 234A नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनका टैक्स पूरा डिपॉजिट हो चुका था, रिटर्न लेट फाइल की थी, रिटर्न लेट की फीस ले लीजिए, इंटरेस्ट मत लगाइए। इंटरेस्ट तभी लगेगा जब आपने कुछ पैसा कम दिया हो गवर्नमेंट को, राइट, उन्होंने पूरा दिया था, वो केस जीत गए थे, ओके। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स, अब समझिएगा कि अगर हमारे ऊपर अगर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस लग जाते हैं, राइट, कब, अगर 10,000 और मोर आता है तो मुझे अपना एडवांस टैक्स कैसे पे करना पड़ता है, तो आप जानते हैं 4 installments में पे करना पड़ता है, हर क्वार्टरली स्टेट में आपको, हर क्वार्टर में आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती है। फर्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट आती है क्वार्टर खत्म होने के बाद, नहीं उससे 15 दिन पहले पहले है, यानी कि 15th of June तक।
तो 15 जून तक आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली जानी चाहिए, फिर यहाँ से आप 3 महीने ऐड करिए, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, आई बिलीव भी आपको 4 बातें याद आ गई होंगी, ठीक है, दोबारा से याद कीजिए, 15 जून, फिर उसके बाद 3 3 महीने ऐड करते जाइए, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, राइट। कितना पैसा पे कर देना चाहिए आपको? अप टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जितना भी आपकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है उसका 15% आपको पे कर देना चाहिए, राइट। तो हम आपसे पूरा पैसा नहीं मांग रहे, एटलीस्ट 15, जितना भी आपके पूरे साल की एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आती है उसका कम से कम 15% आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक पे कर दीजिएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक आपका टोटल 45% तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। मैंने कहा आपका टोटल अमाउंट जो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक 45% तक डिपॉजिट कर दीजिए। तो 15% यहाँ पर किया, 45% यहाँ पर करना पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने कहा अप टू 45% तक, यानी कि जितना भी आपने ऊपर कर दिया होगा उसको कंसिडर कर लीजिएगा, उसका टोटल एग्रीगेट आपका 45% हो जाना चाहिए, यानी कि आपको इतना डिपॉजिट करना है जिससे कि टोटल 45% हो जाए। सिंपल टर्म्स में ये कह सकता हूँ कि 45% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी माइनस जितना भी आपने पहले पे किया है उतना अब आप डिपॉजिट कर दीजिएगा जिससे कि टोटल 45% तक आपका जमा हो जाए पैसा, राइट। यहाँ पर 15 दिसंबर तक 75% तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए, जितना भी आपने पहले डिपॉजिट कर चुके हैं उसको माइनस कर दीजिएगा और बाकी का अमाउंट इतना डिपॉजिट कर दीजिए कि क्यूमुलेटिव 75% तक हो जाए, और 15 मार्च तक आपका 100% तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए, जितना भी आपने पहले डिपॉजिट करा दिया है, पहले अपना एडवांस टैक्स निकालिए उसका 100% कर लीजिएगा, सिंपल रहेगा, जितना भी एडवांस टैक्स है उसका 100% एडवांस टैक्स ही आएगा, जितना भी आप पहले डिपॉजिट कर चुके हैं वो माइनस कीजिए और टोटल आपका 100% डिपॉजिट हो जाना चाहिए, करेक्ट। और अगर आपने 15 मार्च के बाद डिपॉजिट कराया तो हम आपसे इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर लेंगे। मान लेते हैं अगर किसी ने 16 मार्च को डिपॉजिट कराया पैसा, क्या बस मुझे ये बता, मैं ये नहीं पूछ रहा कि इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर 16 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, लेट्स से 16 मार्च 2024 हमारा जो प्रीवियस ईयर है 23-24, किसी ने पैसा अपना 16 मार्च 2024 को डिपॉजिट कराया, आई एग्री लेट कराया, इंस्टॉलमेंट्स के अकॉर्डिंग उसने लेट कराया, पर क्या ये पैसा एडवांस टैक्स का माना जाएगा? द आंसर इज येस। मैंने आपको क्लियर कर दिया था, जो भी पैसा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिपॉजिट हो रहा है, इवन अगर ये 31 मार्च 2024 को भी डिपॉजिट होता इसको भी हम एडवांस टैक्स ही मानते हैं, राइट। तो आई एग्री इंटरेस्ट वगैरह लग जाएगा इनके ऊपर, 234C वगैरह लग जाएगा इनके ऊपर, ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ अगर कोई अपना एडवांस टैक्स माने थे 16 मार्च को डिपॉजिट कराता है या 17 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर को डिपॉजिट कराता है, लेट करा रहा है थोड़ा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट की भी बात करा रहा है, बट क्या ये एडवांस टैक्स है? आंसर इज हाँ जी, ये एडवांस टैक्स है। जो असेसमेंट ईयर में डिपॉजिट होता है उसको एडवांस टैक्स नहीं कहते, जो प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट होता है उसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। ये बातें आपको 234B में काम आएंगी जो मैं अभी कर रहा हूँ आपसे। तो एनी अमाउंट पेड अप टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो एडवांस टैक्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 15 मार्च के बाद जमा कराया आपने तो एडवांस टैक्स नहीं है, ये एडवांस टैक्स है। 16, 17, 18 से लेकर 31 मार्च तक भी कराया उसको भी एडवांस टैक्स कहेंगे। हाँ, अगर आपने 1 अप्रैल को कराया, 1 अप्रैल को, तो यानी कि वो असेसमेंट ईयर में कराया, उसको फिर एडवांस टैक्स नहीं बोलते, उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं, राइट। तो एनीथिंग डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज एडवांस टैक्स। हाँ, यहाँ तक नहीं जमा कराया, 234C वगैरह लगा देंगे, वो अलग बात है। ये इंपॉर्टेंट बात है MCQ के लिए। जो लोग प्रिजम्प्टिव स्कीम लेते हैं 44AD, 44ADA, 44AE, क्या उनके ऊपर भी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है? तो प्लीज समझ लीजिएगा, जो लोग प्रिजम्प्टिव इनकम लेते हैं उनके ऊपर भी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है। बट अगर आप 44AE की प्रिजम्प्टिव स्कीम ले रहे हैं, 44AE, देखो हमने 3 प्रिजम्प्टिव स्कीम करी है, एक तो 44AD रिटेल बिजनेस की जो 6% 8% वाली बातें करते थे हम लोग, और 44ADA नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की 50% ऑफ देयर ग्रॉस रिसिट्स, और 44AE, 44AE होता है वो हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला, ठीक है। तो अगर आप 44AE की प्रिजम्प्टिव स्कीम ले रहे हैं तो आपको चारों इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी, चारों इंस्टॉलमेंट्स के एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी आपको 15 जून 15 सितंबर एंड सो ऑन। बट अगर आप 44AD और 44ADA की प्रिजम्प्टिव स्कीम ले रहे हैं तो आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी सिर्फ आपको एक ही इंस्टॉलमेंट देनी है जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है, यानी कि आपको 15, यहां पर आपको कोई टैक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है अगर आप AD और ADA ले रहे हैं, करेक्ट। तो उस केस में आपको सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आप 100% डिपॉजिट करा दीजिए। अगर आपने शुरू में नहीं कराया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर वो एप्लीकेबल ही नहीं है, हम आपसे 234C का जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो नहीं करेंगे अगर आप प्रिजम्प्टिव स्कीम ले रहे हैं फॉर AD और ADA। तो AD और ADA के लिए तो ओनली एक इंस्टॉलमेंट है 31 मार्च की, ठीक है, यहाँ पर 100% अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा दीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट ही फॉलो करनी होगी।
जो 44AE लेते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाले, उनके लिए चारों इंस्टॉलमेंट्स एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। उसके बाद अब हम समझते हैं कि 234C का इंटरेस्ट क्या होता है। 234C का इंटरेस्ट ये कहता है, अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स देने में कुछ कमी छोड़ देते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, ठीक है, अगर आपने अपना शॉर्ट पेमेंट किया इंस्टॉलमेंट्स पर, जितना डिपॉजिट करना था उतना नहीं किया, या आपने किया ही नहीं डिपॉजिट, तब आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, राइट। तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 15% ऑफ टैक्स डिपॉजिट कराना था, 15% ऑफ द रिटर्न इनकम। रिटर्न इनकम का मतलब क्या होता है, जो आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में शो करते हैं, जो आप जब अपने ROI फाइल करते हैं, जो आपने रिटर्न में अपनी इनकम दिखाई थी, उस इनकम का के ऊपर जो टैक्स बनता है, अगर आपने 15% तक टैक्स जमा कराना चाहिए था, अगर आपने ये नहीं कराया, मान लेते हैं आपने जीरो डिपॉजिट कराया, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपने डिपॉजिट नहीं कराया, तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट का रेट रहता है 1% पर मंथ का, 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ को भी हम फुल मंथ ही लेते हैं, राइट। बट यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकंड इंस्टॉलमेंट में, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 3 महीने का इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। ये 3 महीने फिक्स रहेंगे। अगर आपने एक दिन भी लेट करा तो भी हम 3 महीने का एग्जैक्ट फ्लैट इंटरेस्ट आपसे लेने वाले हैं। जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा था कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को डिपॉजिट करानी थी, तो लेट से किसी एसएससी ने इसको 16 जून को डिपॉजिट कराया, अपना 15% पूरा डिपॉजिट करा दिया, पर 16 जून को, सर फिर तो उसने एक ही दिन लेट कराया, तो एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। लॉजिकली हाँ, एक ही दिन का करना चाहिए, बट लॉ ने यहाँ पर बोला है, तो लॉ ने यहाँ पर बोला कि अगर आप एक दिन भी लेट हुए तो हम पूरा का पूरा आपको 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा 3 महीने का चार्ज करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 3 मंथ्स का, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 3 मंथ्स का, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 1 महीने का, ठीक है। सर लास्ट इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 1 महीने का क्यों? एक्चुअली ये जो इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, देखो शुरू से देखो एक बार, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स कौन से हमने लिए, 15 जून से लेकर 15 सितंबर, ये 3 मंथ्स लिए यहाँ पर। यहाँ पर 15 सितंबर से 15 दिसंबर, ये 3 मंथ्स लिए। यहाँ पर 15 दिसंबर से 15 मार्च, ये 3 मंथ्स लिए। यहाँ पर 15 मार्च से लेकर 234C का इंटरेस्ट जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तक का, यानी कि 15 मार्च से लेकर 31 मार्च, लगभग 15-16 दिन बनते हैं, 15-16 डेज बनते हैं बस, राइट। तो अगर 15-16 डेज बनते हैं तो हम इसको फुल मंथ लेंगे, इसलिए यहाँ पर 1 महीने का चार्ज होता है, राइट। 234C सिर्फ लगता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तक का, क्योंकि उसके बाद असेसमेंट ईयर से शुरू हो जाता है 234B का इंटरेस्ट, करेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 मंथ्स फिक्स्ड है, और यहाँ पर 1 मंथ ही फिक्स्ड है, और कितना परसेंट है, 1%, राइट। तो अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% डिपॉजिट नहीं कराया, कम कराया है, तब हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। कितना? जितना आपने कम कराया है उतना हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एग्जैक्ट 3 मंथ्स का। यहाँ पर 45% तक आपका डिपॉजिट हो जाना चाहिए, जितना भी आपने डिपॉजिट कराया है उसको माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस है, जो आपने कम डिपॉजिट कराया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, करेक्ट। बट एक इंपॉर्टेंट बात एक और है, 234C हमें फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट पर रिलैक्सेशन देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। 234C हमें 2 इंस्टॉलमेंट शुरू की, जो 2 इंस्टॉलमेंट में, वहाँ पर एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रहा है। वो ये कह रहा है कि वैसे तो आपको 15% तक डिपॉजिट कराना था, बट अगर आपने इवन 12% तक भी डिपॉजिट करा दिया तो वी आर ओके विद इट, हम आपसे फिर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो हम 3 मंथ्स का कर दें वो हम नहीं चार्ज करेंगे, अगर एटलीस्ट आपने 12% भी डिपॉजिट करा दिया है तो, राइट। तो इनफैक्ट अगर आप 12% भी डिपॉजिट कराएंगे तो चलेगा, 12% से कम कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 11% कराएंगे, फिर नहीं चलेगा, फिर तो हम जितना भी आपने कम कराया है, जितना भी शॉर्ट डिपॉजिट कराया है, हम उसके ऊपर पूरा 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, राइट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में रिलैक्सेशन कितनी है, ऑल्दो आपको 45% तक डिपॉजिट कराना था, अगर आप 36% भी कराते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अगर हाँ आप 35% कराते हैं तो जितना भी शॉर्ट डिपॉजिट कराया, कितना डिपॉजिट कराया शॉर्ट, 45 - 35%, ठीक है, 10%, इस तरीके से आपको परसेंटेज में नहीं निकालना, आप अमाउंट में निकालेंगे वैसे, बट सिर्फ मुझे बताने के लिए, जितना भी फिर आपने कम डिपॉजिट कराया तो हम उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे पूरे 3 महीने का। तो ये रिलैक्सेशन 15% तक, ऑल्दो डिपॉजिट हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15% तक चाहिए था, बट अगर आप 12% तक भी कराते हैं तो चलेगा। यहाँ पर 45% तक कराना था, 36% कराते हैं तो चलेगा। यहाँ पर 75% कराना था, यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यहाँ पर पूरा 75 ही डिपॉजिट होना चाहिए, यहाँ पर पूरा 100 ही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तब हम आपसे 234C का इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो कितना हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 15% ऑफ टैक्स ऑन रिटर्न इनकम माइनस अमाउंट डिपॉजिट, जितना भी आपने डिपॉजिट करा दिया
उसका डिफरेंस पूरे 3 महीने का चार्ज करेंगे। बट यहाँ पर मैंने रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स पे रिलैक्सेशन है कितनी, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 12% हुआ, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 36% हुआ तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल असेसिन को का जो 15% ऑफ टैक्स आता है, 15% ऑफ टैक्स आता है फॉर एग्जाम्पल, वो आता है 24,000 रुपीज, राइट। और उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक लेट से 4,324 रुपीज डिपॉजिट कराए थे, मैं ठीक से लिख देता हूं, ऐसे देखिएगा, लेट से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक, लेट से फॉर एग्जांपल हमने 15% ऑफ रिटर्न टैक्स ऑन रिटर्न इनकम, रिटर्न इनकम का मतलब क्या होता है, जो आपने रिटर्न फाइल की है उसमें कितनी इनकम दिखाई है उसके ऊपर जितना टैक्स बना है उसका आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर 15% तक डिपॉजिट कराना था। लेट से मैं एक रेंडमली फिगर ले लेता हूँ कि आपको 20,000 रुपीज तक डिपॉजिट कराना था, बट आपने एक्चुअली इस डेट तक डिपॉजिट कराया, एक्चुअल जो डिपॉजिट कराया था वो कराया था 4,236 रुपीज आपने डिपॉजिट कराए थे। सबसे पहले ये देखिए क्या ये 12% तक भी लग रहा है, तो आंसर इज नहीं है, 12% लग नहीं रहा है। वैसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले मुझे पूरा टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, चलिए मैं कर देता हूँ अभी। ये 20% ये 15% के बराबर है, चलिए बैक कैलकुलेशन करिए, 100% कितना होता, तो सिंपल कर लेते हैं, 20,000 / 15 × 100, तो आपका जो टैक्स लगभग था 1,33,333 था, लगभग इतना होगा। तो ये आपका टैक्स आ रहा था, तो आपको 15% तक डिपॉजिट कराना था, इसका अगर 15% निकालते हैं तो हमारा 20,000 रुपीज़ आ जाता है, बट आपने कराया सिर्फ डिपॉजिट 4,236। सबसे पहले चेक कीजिए क्या 12% तक कराया या नहीं कराया, तो आंसर इज नहीं, अगर हम इसका 12% निकालेंगे तो लगभग 13,000-14,000 के आसपास आएगा, 16,000 आ रहा है, इनफैक्ट 16,000 रुपीज़ आ रहे हैं कि 16,000 रुपीज़ तक भी कराते, अगर आप यहाँ पे 16,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा करा देते ना, इवन थोड़ा शॉर्ट कराया है बट हम यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 12% तक हमें चाहिए था, बट आपने 12% भी नहीं कराया, 16,000 कराने थे उससे भी कम कराया आपने, तो अब हम जितना भी आपने शॉर्ट पेमेंट करी है हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना शॉर्ट पेमेंट करी है, अब आप कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, छोटा सा पॉइंट है ये, 20,000 - 4,236 आपका आ गया 15,764 के ऊपर, आप 1% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और एग्जैक्ट 3 मंथ्स फ्लैट रहेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो अमाउंट है ना 15,764, इसको आपको मल्टीपल ऑफ 100 में लेना है, मल्टीपल ऑफ 100 में लेना है, ठीक है सर, हम इसको फिर 15,800 कर देते हैं क्योंकि 50 रुपीज़ से ज्यादा है, तो इसको 800 कर देते हैं, नहीं आपको नेक्स्ट डिजिट पर राउंड ऑफ नहीं करना है, इनफैक्ट आपको जो भी फ्रैक्शन है ये उसको पूरा कंप्लीटली इग्नोर करना है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ दूसरे टर्म्स में कि आपको नेक्स्ट डिजिट पर नहीं जाना है, आपको पहले वाले डिजिट पर आना है, ठीक है, पहले वाले मल्टीपल ऑफ 100 पर आना है, ठीक है, यानी कि ये पूरा को पूरा फ्रैक्शन इग्नोर करना है, तो इसका मतलब आप 15,700 के ऊपर 1% फॉर 3 मंथ्स निकालेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपके MCQ में आ गया और छोटा सा माइनर भी अगर वहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ठीक है, कर लेंगे ये। तो जो भी आपकी शॉर्ट पेमेंट आ रही है प्लीज उसको मल्टीपल ऑफ 100 निकालिएगा, और मल्टीपल ऑफ 100 में आपको नेक्स्ट मल्टीपल पर नहीं जाना है बल्कि प्रीवियस मल्टीपल पर जाना है, जितना भी एक्स्ट्रा है इन एक्सेस ऑफ मल्टीपल ऑफ 100 उसको इग्नोर करना है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ भी मैंने शॉर्टफॉल टू बी राउंडेड ऑफ 200 इग्नोरिंग एनी फ्रैक्शन मतलब 100 से ऊपर जितना भी था वो सब इग्नोर कर दीजिएगा, तो सिर्फ आप इसको प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 100 पर आ जाइएगा, ठीक है, ये रिलैक्सेशन वाली बात समझ गए। एक और बात समझिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बॉक्स, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी इनकम होती है जो हमें पहले से नहीं पता होती है, ठीक है, स्पेशली कैपिटल गेन की इनकम या कैजुअल इनकम जो हमें पहले से पता नहीं होती है, तो हमें ये नहीं पता चलता है कि हमें उसके ऊपर टैक्स देना होगा नहीं देना होगा, क्योंकि इसके बारे में हम पहले से कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते थे कि ऐसी इनकम अराइज होगी भी या नहीं होगी। तो कौन कौन सी इनकम होती है ऐसी, कैपिटल गेन की इनकम, कैजुअल इनकम, ठीक है, विनिंग फ्रॉम रेसेस या लॉटरी इस तरह की इनकम, डिविडेंड की इनकम अदर देन 222 ई, ठीक है, अगर 222 ई आ रहा है तो वहां पर रिलैक्सेशन नहीं है, अदर डिविडेंड के ऊपर आ जाएगा अदर देन 222 ई,
और अगर किसी का पीजीबीपी फर्स्ट टाइम उसका बिजनेस से इनकम आ रही हो तो ऐसे इनकम, क्योंकि ये पता नहीं होता कि हमारी अराइज होगी या नहीं होगी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी भी एसएससी ने जब अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, ठीक है, उसको लग रहा था कि उसका टैक्स 2 लाख रुपीज आएगा, उसको लग रहा था उसने अपनी कोई इनकम कैलकुलेट की होगी और उसको लग रहा था कि मेरा जो टैक्स आएगा वो जेन्युइन एसएससी है, उसको लग रहा था मेरा टैक्स 2 लाख रुपीज आएगा, उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर 15% पे कर दिया, तो 2 लाख के ऊपर उसने 15% पे कर दिया, कितना पे कर दिया होगा 30,000 रुपीज। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उसने 45% तक पे करना था, ठीक है, 45% तक, तो कितना आता है 2 लाख का 45% आता है 90,000 रुपीज, उसको 90,000 रुपीज तक पे करना था, ऑलरेडी वो 30,000 रुपीज पे कर चुका है तो उसने यहाँ पे 60,000 रुपीज पे कर दिए, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब 15th जून ऑफ द प्रीवियस ईयर, यहाँ पर 15th सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर उसने इतना पे कर दिया। इससे थर्ड इंस्टॉलमेंट भी मान लेता हूँ, उसको 75% तक पे करना था, 2 लाख का 75% आता है 1,50,000 माइनस जितना भी हम, ये क्यूमुलेटिव होता है, जितना भी हम पहले पे कर चुके हैं उसका हमें माइनस कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 30,000 पे कर चुके हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 60,000 पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग 60,000 हमें यहाँ पर पे करना है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। एसएससी ने ये सब पे करा, थर्ड इंस्टॉलमेंट उसकी 15 दिसंबर को और द प्रीवियस ईयर गई होगी। अब क्या हुआ, 18 दिसंबर को उसका फॉर एग्जाम्पल उसका कोई आइडिया नहीं था, उसको कोई ऐसे उसने सोचा नहीं था, बट फिर भी उसके पास एक प्लॉट था, एक लैंड था और एक बायर आया और वो बायर उसके बहुत अच्छे प्राइस दे रहा है, इनफैक्ट उसकी जो मार्केट वैल्यू उससे कुछ ज़्यादा ही पैसे दे रहा है। तो इस एसएससी को लगा अरे यार मुझे ये लैंड बेच देना चाहिए, इसने कुछ पहले सोचा भी नहीं था कि वो लैंड बेचेगा, उसको उसको बस बैक ऑफ द माइंड था कि कभी ना कभी बेच दूंगा, बट इस प्रीवियस ईयर में उसने सोचा भी नहीं था, राइट। तो उसको एक बायर मिला और वो अच्छे खासे उसको पैसे दे रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छे पैसे दे रहा था, मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा। तो उसने ये लैंड उसको बेच दिया और उसका यहाँ पर कैपिटल गेन आया 18 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसका कैपिटल गेन आया लेट्स से 30 लाख रुपीज का, और इस कैपिटल गेन के चलते उसका टैक्स भी काफ़ी बढ़ गया। तो उसने पहले तो अपना नॉर्मली अपना टैक्स 2 लाख का सोचा था, बट इस कैपिटल गेन के चलते लेट्स से मैं नॉर्मली मान लेता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 20%, 6 लाख रुपीज का टैक्स उसका और बढ़ गया, यानी कि अब जो उसका रिवाइज टैक्स हो गया है वो 8 लाख के आसपास हो गया। अभी मैंने सब वो सेस वगैरह इग्नोर कर दिया, सिर्फ समझाने के लिए मैंने वो सब कुछ इग्नोर कर दिया। तो अब जो उसका टैक्स था वो 8 लाख रुपीज था, ठीक है। अब उसने क्या किया, जब उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आई, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो उसने 100% अपना टैक्स पे करना वो चाहता है, तो उसको पता है अब तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 15th of March को आएगी, ये डेट के बाद आएगी, तब यहाँ पर उसने अपना पूरा 8 लाख के अकॉर्डिंग, 8 लाख का 100% उसको पे करना था, 8 लाख के अकॉर्डिंग उसने अपना टैक्स पे कर दिया, पहले से वो कुछ टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है, तो 8 लाख माइनस जितना भी पहले ये पे करा हुआ है अगर आप टोटल करेंगे तो 1,50,000 आएगा, 1,50,000 उसने बाकी का अपना 6.5 लाख पे कर दिया, ठीक है, जेन्युइन असेसी तो उसने अपना पे कर दिया, राइट। अब असेसिंग ऑफिसर का ये कहना है कि यार तुम्हारा तो जो टैक्स आया वो 8 लाख रुपीज़ आया है, तो आपको तो यहाँ पर 15% ऑफ 8 लाख पे करना चाहिए था ना, 15% ऑफ 8 लाख पे करना चाहिए था, आपने सिर्फ 30,000 पे करे, तो हम आपसे 234C का इंटरेस्ट लगाएंगे। असेसी का कहना है कि सर देखो मैं एक जेन्युइन व्यक्ति हूँ, मैं अपना टैक्स नॉर्मली पे करता हूँ टाइम से, बट मुझे नहीं पता था ना कि मेरा ये लैंड बिक जाएगा, तो मेरे ऊपर 234C नहीं लगना चाहिए, और यही बात इनकम टैक्स लॉ ने लिखी है। उन्होंने कहा है कुछ ऐसी इनकम होती है कि उनका पता नहीं होता है कि वो एकदम अराइज हो जाती है, जैसे कैपिटल गेन की इनकम, कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम अदर देन 222E, और अगर कोई नया बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम आ रही है। उस केस में इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो अगर इनफैक्ट जब जब भी आपकी इनकम अराइज हुई है उससे पहले पहले की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, जैसे 18 दिसंबर से पहले की यहाँ पर हमारे 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो इससे रिलेटेड जो टैक्स है अगर वो आपने नहीं भी पे किया तो चलेगा, हम उसके ऊपर 234C नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई बिलीव ये बात भी आपको याद आ गई होगी, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C विल नॉट बी लेविड। हाँ एक बार ये इनकम आ गई उसके बाद तो आपको पता चल गया ना कि ये इनकम आ गई, उसके बाद तो आपको पूरा पे करना था, बट उससे पहले पहले की जो इंस्टॉलमेंट थी उस पर हम ये रिलैक्सेशन दे देंगे। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C विल नॉट बी लेविड, रिलैक्सेशन दे दी गई इफ शॉर्टफॉल इज ड्यू टू कैपिटल गेन की इनकम, कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम अंडर देन 222E और फर्स्ट टाइम इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। तो 234C इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप यहाँ से ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन जरूर करें एटलीस्ट 234C का और 234B का भी, 234B अभी समझ लेते हैं क्या है, ओके। और इनफैक्ट
अब क्योंकि ये रिवीजन खत्म होने वाले हैं बस, ठीक है, एक दो छोटी छोटी क्लासेस और बची हुई हैं रिवीजन की, उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशंस भी शुरू करेंगे अपने, ठीक है, जहां पर मेनली आपको काम करना है, मैं सिर्फ वहां पर आपकी सिर्फ हेल्प करूंगा और वहां पर मेनली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 234B। 234B क्यों लगता है? 234B इसलिए लगता है कि अगर आपने अपना एडवांस टैक्स टाइम से पे नहीं किया, एडवांस टैक्स आपने पे नहीं किया, अब एडवांस टैक्स पे कब होता है? प्रीवियस ईयर में। अगर आप अपना पूरा का पूरा एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में पे कर देते हो तो 234B नहीं लगता, राइट? और 234B फिर कब से शुरू होगा? प्रीवियस ईयर के बाद से, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर से। 234B की जो स्टार्ट डेट होती है वो फर्स्ट अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर होती है, प्रीवियस ईयर से नहीं लगता। प्रीवियस ईयर में तो हमारा 234 से ही लग गया, अब यहां से हमारा शुरू होता है 234B फर्स्ट अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से। और 234B ये कहता है कि अपना एडवांस टैक्स पूरा पे कर दीजिए, एडवांस टैक्स पे कर दीजिए प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में पे हुआ इसका मतलब एडवांस टैक्स ही है। 234B एक अच्छी रिलैक्सेशन भी देता है, वो कहता है कि जितना भी आपकी जो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी बनती थी, अगर इनफैक्ट आपने 90% भी पे कर दिया है, अगर आपने 90% भी पे कर दिया है तो वी आर हैप्पी, तो 234B नहीं लगता है। बट अगर आपने 90% से कम पे किया है तब 234B लग जाएगा, जितना भी शॉर्टफॉल आपने पे करा है उसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से, पार्ट ऑफ द मंथ को आपको फुल मंथ लेना है। यहाँ पर पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर नहीं करना, हमेशा फुल मंथ लेना, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने 3 महीने 10 days तक अपना इंटरेस्ट जो लगेगा, अगर अपना टैक्स पे नहीं करा 3 महीने 10 दिन, तो इस पार्ट ऑफ द मंथ को भी हम फुल मंथ लेंगे, यानी कि 4 month का इंटरेस्ट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमेशा हम नेक्स्ट डिजिट पर जाएंगे। जब मैंने वो डिफरेंस निकलवाया था आपका 234C का, तो वो डिफरेंस में फ्रैक्शन ऑफ 100 इग्नोर करना था, वहां पे प्रीवियस पर आना था, बट यहाँ पर जब भी ये लिखा था ना पार्ट ऑफ द मंथ को भी हम फुल मंथ ही मानेंगे। तो यहाँ पर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ को भी 1% पूरा लेना है, इसका मतलब 3 months 2 days, 3 months 10 days, 3 months 25 days, सबको हमें 4 months ही लेना है, राइट? ओके, अब ये बात समझ लीजिएगा कि 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से असेसी का जो टैक्स बनता है वो बनता है 3 लाख रुपीस, असेसी का 3 लाख रुपीस टैक्स बनता है, और उसने जो अपना एडवांस टैक्स पे किया था, एडवांस टैक्स का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24, फॉर एग्जाम्पल उसने अपना एडवांस टैक्स पे कर दिया था, पूरा का पूरा 3 लाख पे कर दिया था, यानी कि 100% पे कर दिया था, यहां पर हम 234B नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? उसने अपना पूरा एडवांस टैक्स पे कर दिया है। अगर उसने अपना यहां पर 2,80,000 रुपीज पे कर दिया है, उसका ऑलरेडी ऑल्दो बनता था 3 लाख रुपीज, बट उसने अपना जो एडवांस टैक्स पे करा है वो 2,80,000 पे करा है, तो सबसे पहले बताइए कितना परसेंट पे कर दिया? तो सिंपल 2,80,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 28 डिवाइड बाई 30%, 93%, 93.33 आ रहा है, रफली 93 बोल सकता हूँ। तो उसने यहाँ पर 90% और मोर, एटलीस्ट 90% तो पे कर दिया था ना, तो 234B नहीं आएगा, 234B इस केस में नहीं आएगा। लेट से उसने 2,70,000 रुपीज पे कर दिया, कितना परसेंट आप देखेंगे? सर 2,70,000 डिवाइड बाई 3 लाख परसेंट, 90%। तो यहाँ पर भी 234B का इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 234B ये कहता है इनफैक्ट अगर 90% भी पे कर दिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 234B हम चार्ज नहीं करेंगे। बट लेट से आपने यहां पर पे करा है 2,50,000 रुपीज का, ठीक है, कितना परसेंट होता है? सर 2,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख, 2,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख, ये होता है 83.33%, 83.33% होता है। एग्जैक्टली निकालना, आपको सिर्फ 90% चाहिए था। यहां पर 234B एप्लीकेबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 234B ने कहा कि कम से कम 90% एडवांस टैक्स आपका पे हो जाना चाहिए था, यहाँ पर आपने 90% से कम किया है, तो यहाँ पर 234B आ जाएगा। फिर हम इस केस में कितना शॉर्टफॉल है, सिंपल हम देखेंगे, आपको 3 लाख पे करना था, आपने 2,50,000 ही पे किया है, तो आपका 50,000 रुपीज का शॉर्ट है अमाउंट, ठीक है। अब वो 90% को भूल जाइए, सिर्फ आपको एक ही बार 90% लगाकर देखना कि 90% सिर्फ लगाकर ये देखना कि 234B ट्रिगर होगा या नहीं होगा, 234B अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। जब तक 90% और मोर आ रहा है 234B अट्रैक्ट नहीं होगा, जैसे ही 90% से कम आया हमारा अमाउंट 234B अट्रैक्ट हो जाएगा। अब 90% को साइड में रख दीजिए, 90% सिर्फ और सिर्फ लेना था ये देखने के लिए वेदर 234B विल बी अट्रैक्टेड और नॉट, राइट?
अब 90% को साइड में रख दीजिए, अब तो सिंपल देखिए कि कितना शॉर्टफॉल है। सर 3 लाख डिपॉजिट करने थे, 2,50,000 रुपीज डिपॉजिट करे हैं, 50,000 का शॉर्टफॉल है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए 1% पर मंथ का। क्वेश्चन याद है कि कितने मंथ का चार्ज करेंगे। अब हमारा ये लॉ कहता है, हमारा लॉ ये कहता है कि हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से ये इंटरेस्ट करना शुरू करेंगे, और जब तक आपकी असेसमेंट हो रही है, जब तक आपकी असेसमेंट हो रही है तब तक आपको अपना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट टेक्निकली इट इज अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से हमने आपका इंटरेस्ट लगाना शुरू करा, लेट से अगर असेसी ने अपना, अब लॉजिकली बताइएगा मुझे, अगर असेसी ने फॉर एग्जाम्पल ये जो 50,000 रुपीज थे जो उसने शॉर्ट पेमेंट करी थी, लेट से उसने 16 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर में डिपॉजिट करा दिए, यानी कि 16 डेज के बाद ही उसने जाकर ये पैसे डिपॉजिट करा दिए, उसकी असेसमेंट हो रही है आगे जाकर 1 साल के बाद जाकर, तो क्या हम उससे 1 साल का इंटरेस्ट लेंगे? द आंसर इज नो। यहाँ पर लॉ ने ये भी कहा कि अगर जितना भी आपने पैसा डिपॉजिट करा दिया है उसके बाद हम इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, तो यहाँ पर आप क्या असेसमेंट के टाइम तक जाएंगे उसका पूरा, मान लेते हैं असेसमेंट 1 साल के बाद हो रही है, तो क्या आप पूरा उसका 1 साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या सिर्फ 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक का? 16 अप्रैल का मतलब 16 डेज, बट हमें पता है पार्ट ऑफ द मंथ को हमें फुल मंथ लेना, तो यानी कि 1 महीने का। तो इसका मतलब जब तक आप पे कर देते हैं, आपका ये असेसमेंट प्रोसीजर आपके सीए इंटर के कोर्स में नहीं है, वो हम सीए फाइनल में पढ़ते हैं, इसलिए आपको सिर्फ आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि जब वो पैसा पे कर देता है, तो जब तक उसने पैसा पे कर दिया उसके बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बंद कर दीजिएगा उस टाइम तक जब तक उसने पैसा पे कर दिया है। और जनरली अगर कुछ भी क्वेश्चन साइलेंट है तो हम एज्यूम करते हैं कि जब वो अपनी रिटर्न फाइल करता है तब वो अपना पैसा पे कर देता है, ठीक है। तो जनरली अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो हमेशा हम ये मानते हैं जब असेसी अपनी रिटर्न फाइल करता है तब वो अपना पैसा पे कर देता है, तो हम वहां तक उसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, राइट। पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ मानिएगा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 16 अप्रैल को कर दिया तो 16 डेज बनते हैं, यहाँ पर फुल मंथ मानिएगा, फुल मंथ मतलब 1 ही महीना हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 मंथ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 16 मई होता तो अप्रैल और मई पूरा आता, फिर ये 2 महीने आ जाते, ठीक है। तो 234 भी समझ गए, कब अट्रैक करेंगे, अगर 90% से कम अगर आपका टैक्स डिपॉजिट हो रहा है तो। If advance tax paid is less than 90% of the assessed tax, then section 234B interest will be levied at rate of 1% per month or part of the month. Start date 1st April से शुरू करनी है, end date up to the date of assessment. But generally आपके exam में for intermediate, अगर आप final में होते तब मैं assessment वाली बातें और discuss करता, but हमारे syllabus में assessment procedure नहीं है, तो अभी simple इसको रखिएगा, आपके exam में कैसे पूछा जाता है ये, generally date of payment बता देगा वो आपको, तो आप date of payment तक ही लेंगे, या फिर अगर डेट ऑफ पेमेंट नहीं बताएगा तो जनरली ये बताते हैं कि उसने अपनी रिटर्न कब फाइल करी है, और हम एज्यूम करते हैं कि जब वो रिटर्न फाइल होती है उसी समय टैक्स भी डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ओके, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज चार्ज, जितना भी उसका असेस टैक्स था माइनस जितना भी एडवांस टैक्स पे किया था, जैसे कि हमारे केस में उसका 3 लाख रुपीज असेस टैक्स था, उसने एडवांस टैक्स पे किया था 2,50,000, तो जितना भी शॉर्टफॉल आया था 50,000 रुपीज का उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करें, ठीक है। ओके, लास्ट सेक्शन इज 234A। अब मैं दोबारा से एक बार रिपीट करा दूं आपको, 234A का एडवांस टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 234A तभी लगता है, दो कंडीशन होनी चाहिए, आप अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई। अब देखो याद भी करने की जरूरत नहीं, अब ये बात क्लियर हो गई लॉजिकली, अगर आप अपनी लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये 234A अगर इंटरेस्ट लगेगा तो कब से शुरू होगा? जब हमारी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है उसके बाद से शुरू होगा, राइट। तो 1 डे आफ्टर द ड्यू डेट, तो यहाँ पर देखो लिखा भी है स्टार्ट डेट नेक्स्ट डे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। अब देखो इसको याद करने की, लिखा तो है प्रोविजंस में बट इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? लॉजिकली हम समझते हैं कि हमें पता है 234A तब लगता है जब अपनी रिटर्न लेट फाइल हुई हो, तो इसका मतलब ये कब से शुरू होगा? नेक्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिटर्न, देखिए जब भी आपकी ड्यू डेट होगी उसके नेक्स्ट डे से शुरू होगा, ठीक है। दोबारा से एक बार मैं उससे पहले वाले स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ, 234A लगेगा कब? अगर हमारी रिटर्न लेट फाइल की हो और उस लेट फाइल पर हमने अपना टैक्स भी लेट डिपॉजिट करा रहे हो, ठीक है। अगर हमने अपना टैक्स ड्यू डेट से पहले ही पहले जमा करा दिया, मुझे बताइए अगर इस डेट से अगर पहले पहले ही हमारा टैक्स डिपॉजिट हो गया, 234A फिर लगेगा ही नहीं। रिटर्न लेट फाइल करिए उसके ऊपर 234F वगैरह की फीस लग जाएगी, पर 234A का इंटरेस्ट, ठीक है, बहुत बेसिक बात है, अपने बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल स्ट्रांग रखिएगा, वहां से मत हिलिएगा। किसी से भी कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट कब चार्ज करता है, कोई ब्याज कब चार्ज करता है,
जब उसने उसके पैसे पे नहीं किए होते। तो अगर आपने गवर्नमेंट के पैसे पहले से पे कर दिए, वो आपसे क्यों इंटरेस्ट चार्ज करेगी? आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो इंटरेस्ट विल बी लेविड एट अ रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट डेट नेक्स्ट डे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, एंड डेट अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ आरओआई। जब तक आप अपनी आरओआई फर्निश नहीं करते हैं, इफ आरओआई फर्निश नहीं करते तो अप टू द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, बट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट को आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि असेसमेंट प्रोसीजर आपके सिलेबस में नहीं है। तो अप टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ आरओआई हम ये मानते हैं कि यहाँ पर आपने अपना टैक्स डिपॉजिट कर दिया होगा। और इंटरेस्ट कितना चार्ज करते हैं? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, भी फुल मंथ मानते हैं। ठीक है, तो दिस इज 234A। तो यहाँ पर आपके एडवांस टैक्स के प्रोविजन खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट रिविजन लेक्चर में आरओआई करेंगे और एएमटी का भी टॉपिक है, या तो मैं आपको आरओआई वाले ही टॉपिक में उसको कवर कर लूंगा या सेपरेटली छोटा सा टॉपिक है उसको हम सेपरेटली भी देख लेंगे, राइट? तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।